हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया दोपहर के 12 बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट फड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय हिंद ऑफिसर्स आ जाओ भाई अभिषेक शुक्ला अनु मलिक शुभम दास आ, दीपक सिंह सभी का बहुत बहुत स्वागत है फटाफट सब लोग आ जाइए दोपहर के बारह बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन भाई जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज मंडे टू फ्राइडे चलती है जिसका नाम है हंड्रेड डे स्टडी प्लान टू क्रैक यू पी एस सी सी एंड सी डी तो भाई हंड्रेड डेज का सेशन प्लान चल रहा है कि किस तरह से हम लोग यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ 2020 को निकालेंगे जैसा कि आप जानते हैं इस हंड्रेड डे सीरीज के तीन पैरामीटर्स हैं जिसमें मैं 40 मॉक टेस्ट आपको करा रहा हूं मंडे टू थर्सडे के दिन फ्राइडे के दिन डिफेंस जीके की क्लास होती है और इसके अलावा शाम को मिनट पर एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार ये सीरीज चल रही है अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ स्टार्ट कर रखा है ये देखिए 100 डेज स्ट्रेटजी प्लान टू क्रैक यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ एस, एस, 2020 ये देख लीजिए बच्चों 100 डेज का प्लान दिन भर आपके लिए है सुबह 9:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक हम आपके साथ हैं ये देखिए सुबह नौ बजे डॉक्टर अमित सिसोदिया सबसे पहले आते हैं ग्यारह बजे द हिंदू वो कैब और रीडिंग स्किल्स डॉक्टर अमित सिसोदिया हैं बारह बजे जीएस एस मै अंसारी दोपहर को तीन बजे रीजनिंग मोहित क्वात्रा सर चार बजे मैथ्स रणधीर सर शाम को पांच बजे जनरल स्टडीज में आपका जो साइंस का सेक्शन है विक्रांत पुंदीर सर शाम को छे बजे छे बज के पंद्रह मिनट पर करंट अफेयर्स रात में आठ बजे इंग्लिश की प्रैक्टिस संजय कुमार शर्मा सर और रात में नौ बजे कंप्लीट एसएसबी एस बाई करुणा निर्वाण मैम तो आप देख सकते हैं कि हंड्रेड डेज का स्टडी प्लान बेटा फोटो खींच लो इसकी यह पूरा प्लान आपका शानदार मंडे टू फ्राइडे चलेगा लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हमारे साथ लगना पड़ेगा भैया देखो अगर तुम हमारे साथ नहीं लगोगे तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक तुम्हारे साथ हम लगे रहें हम तुम्हारे साथ तब लगेंगे जब तुम हमारे साथ लगोगे याद रखिएगा अगर इस सेशन प्लान का पालन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट मार्क्स आपके आराम से यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ में बढ़ जाएंगे बीस से तीस मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको जरूर मिलेगा इसके बाद आप देखें ये देखिए बेटा कि जो लोग एफ कैट और आईनेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 60 डे स्ट्रेटजी प्लान टू क्रैक एफ कैट आईनेट 2020 आपको मालूम है बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट एफ कैट और आईनेट का भी एग्जाम आपका अगस्त के लास्ट वीक और आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है सुबह दस बजे जनरल स्टडीज विक्रांत पुनधीर सर मंडे और वेडनेसडे उसके बाद दोपहर एक बजे जीएस काशिप अंसारी मंडे और वेडनेसडे आज मंडे है सो आज दोपहर एक बजे और तीन बज, एक बजे और वेडनेसडे को एक बजे मेरी क्लास होगी फिर आप देख सकते हैं एक बजे डॉक्टर रमेश सिसोदिया ट्यूजडे और थर्सडे को दो बजे रणधीर सर मंडे और वेडनेसडे रात नौ बजे रीजनिंग सैटरडे संडे मोहित सर और रात दस बजे एस एस बी संजय कुमार शर्मा सर मंडे फ्राइडे सो आप देख सकते हैं एफ कैट और आईनेट के लिए भी हमने आपका शुरू कर दिया है ठीक है अभिषेक आईनेट का नोटिफिकेशन दो चार दिन में कभी भी आ सकता है वैसे याद रखिएगा कि डेट जो है एफ कैट के नोटिफिकेशन की एक जून है लेकिन दो चार दिन में आ जाएगा सीएपीएफ का नोटिफिकेशन पांच तारीख को आएगा टेंशन मत लीजिएगा ठीक है अब देखो बच्चे जो बहुत सारा डिफरेंस है लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि सर आपके यूट्यूब में और आपके प्लस कोर्स में क्या फर्क है यह देख लो बच्चों सबसे बड़ा फर्क है कि यूट्यूब helps इन इंक्रीजिंग द मार्क्स याद रखिएगा ठीक है YouTube से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अन अकेडमी प्लस हेल्प टू क्रैक द एग्जामिनेशन अगर आपको नए हैं फ्रेशर हैं तो आपको यूट्यूब से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा लेकिन आपको अनएकेडमी प्लस पर एग्जाम निकालने का फायदा मिलेगा यहां पर बेटा आप एक्यूरेसी को नहीं देख सकते लेकिन हंड्रेड परसेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट यहां पर होता है YouTube पर आपको कोई डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं मिलता है यहां पर आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन क्लियरिंग मिलता है तो यहां पर क्या होता है नो प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर मतलब कि पोल्स के साथ नहीं हो पाता है आपको मालूम नहीं चल पाता है कि आपकी रैंक क्या है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्रैक्टिस सेशन में आपको रैंक भी मालूम चलती है यहां पर टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है यहां मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिलती है यहां पर कोई असेसमेंट नहीं हो पाता यहां पर असेसमेंट हो पाता है यहां पोल्स का सिस्टम नहीं है यहां पोल्स हो पाते हैं So, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो YouTube है वो उन लोगों के लिए है जो रिपीटर्स हैं मतलब कि जो कि आपके दोबारा या तीसरी बार पेपर देना चाहते हैं मतलब कि उनको मार्क्स इंक्रीज कराने हैं इसलिए मतलब कि उनके कंसेप्ट तो ठीक हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती इस वजह से यहाँ पर है ठीक है ओके <coughs> okay. अरे नहीं भाई अक्षत मुदगिल साहब सुनते रहिए बता रहा हूं तो मतलब ये बेसिकली मार्क्स इंक्रीज करने के लिए है और ये जो है बेटा ये आपका सिलेक्शन के लिए बेसिकली अगर आप फ्रेशर हैं नए हैं तो फिर आपको अन अकेडमी प्लस पर आना चाहिए और अगर आप मार्क्स इंक्रीज कराना चाहते हैं अपने सो तो यूट्यूब से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे सच में बता रहा हूं सो तो यूट्यूब पर अब कैसे हैं कि आपके जैसे सी एग्जाम में हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं अब आपके सीडीएस में हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप YouTube पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके 130 नंबर हो जाएंगे यह वादा है हमारा लेकिन अब आपका सीडीएस का कोई जान पहचान ही नहीं है और आप YouTube पर आ जाते हैं और आप कहते हैं कि आपके 130 नंबर आ जाएं तो नहीं आएंगे बेटा क्यों नहीं आएंगे क्योंकि YouTube से आप जो है 130 नंबर नहीं ला सकते क्योंकि कंसेप्ट तो आपने पढ़े ही नहीं ठीक है तो ये फर्क है जो बच्चे हमसे बहुत ज्यादा पूछते हैं तो क्रैक सी डी एस एफ कैट सी एपीएफ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्मी यहां पर आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं याद रखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं याद रखेगा अन अकेडमी तीस से ज्यादा कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप हमारे साथ किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए सब लोग ठीक है बच्चों अब देखो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने तीन महीने छह महीने बारह महीने चौबीस महीने वैसे मैं आपको बता दूं कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 12 महीने और 24 महीने का है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका आठ हजार रुपए में है मेरा कोड इस्तेमाल करो क्यू ए लाइफ सात हजार दो सौ में मिलेगा 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका नौ हजार छह सौ में है मेरे कोड के साथ ये आपको आठ हजार छह सौ चालीस में मिलेगा अगर आपको लगता है कि आप एक बार में पेपर निकाल सकते हैं तो मैं आपसे कहूंगा भैया आप, आप छह महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं पांच हजार सात सौ साठ रुपए में लेकिन याद रखिएगा बच्चों की अगले अगले जो आपका अगले आठ महीने हैं उसमें सात पेपर्स हैं ऑफिसर्स बनने के लिए आपको सात मौके मिलेंगे ऑफिसर बनने के लिए इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो हैं बारह या चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ जाएं तो आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा ठीक है बच्चों अब मेरे अपकमिंग कोर्सेज देख लो बेटा अपकमिंग कोर्सेज फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ जो लोग सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं देख लो बच्चों कि यहां पर मेरा कोर्स 8 जून से शुरू हो रहा है 8 जून से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स इंग्लिश का कोर्स 10 जून से अमित सिसोदिया सर साइंस जो है 11 जून मैथ्स जो है 10 जून और जो लोग सीएपीएफ में रीजनिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए पंद्रह जून से मोहित सर का भी कोर्स आ रहा है ठीक है तो याद रखिएगा ये बेटा आपके अपकमिंग कोर्सेज हैं जो लोग सी डी और सी की तैयारी कर रहे हैं याद रखिएगा जो लोग एफकैट और आईनेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार बैच देखो एस्पायर एफ कैट टू आईनेट टू सिक्सटी डेज मास्टर कोर्स पंद्रह जून से अठारह अगस्त बेटा ये साठ दिन का शानदार कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो लोग याद रखिएगा एफ कैट और आईनेट की तैयारी कर रहे हैं एस्पायर एफ कैट टू आईनेट टू सिक्सटी डेज मास्टर कोर्स इसके लिए मैं आप देख सकते हैं जीके मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ्स रणधीर सर रीजनिंग मोहित क्वात्रा सर इंग्लिश अमित सर जनरल साइंस विक्रांत एस पुणीर सर याद रखिएगा सो ये बेटा आपका कोर्स है अगर इन दोनों कोर्सेज के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए ये हेल्पलाइन नंबर है इसका नंबर लिख लो एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस एस बाई काशिफ अंसारी यहां से जुड़ जाओ मेरा रेफरल कोड याद रखना क्यू ए लाइव ताकि आपको कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है चलिए भाई शुरू करते हैं तो आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर इलेवन चलो भाई सब लोग आ गए स्टार्ट किया जाए सेशन चलो भाई बहुत बढ़िया सारे लोग आ चुके हैं सब लोग कह यस स्टार्ट किया जाए सेशन तो मॉक टेस्ट नंबर इलेवन चलिए शुरू करते हैं बहुत शानदार है लेट्स स्टार्ट बहुत बढ़िया चलो भाई सब लोग आ चुके हैं सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो हंड्रेड प्लस तो पहुंचना है भाई सबसे पहले ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ये देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या बात है बेटा पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्वेश्चन है देखो पीसीज आपको मालूम है कि हमारे संसद में दो तरह की कमिटीज होती हैं एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी यहां पर क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स देयर बजट एक्सपेंडिचर्स एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट अच्छा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन बी सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल इेगुलरिटीज मेंबर्स ऑफ द जेपीसी आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा ओनली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की संसदीय समितियों की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो सुपरवाइज करती हैं वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स का वर्क को सुपरवाइज करती हैं उनके बजट को एक्सपेंडिचर को और बिल्स को जो कि उस हाउस में आता है बिल्कुल सही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसे आप जेपीसी कहते हैं वो बेसिकली जब फाइनेंशियल इरेग्यूलरिटीज होती हैं उनके लिए बनाई जाती है जैसे आपने 2G स्पेक्ट्रम केस में देखा होगा एक जेपीसी बनाई गई थी और मेंबर ऑफ द जेपीसी आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा ओनली गलत है बेटा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आ सकते हैं जेपीसी के सदस्य राइट आंसर ए हो जाएगा वन एंड टू इज द राइट आंसर थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जेपीसी के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं याद रखिएगा सेशन को शेयर होता रहना चाहिए बहुत बढ़िया वन एंड टू इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू देखिए सिडर द फॉलोइंग पेयर्स ये देखिए सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एट्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ये तो आप बता देंगे मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है आपको मालूम है कि जो इकसठवा संवैधानिक संशोधन आया था सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि श्री राजीव गांधी जी लेके आए थे बहुत ही फेमस नाइनटीन हंड्रेड एटी नाइन में और सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था आपको मालूम है कि हमारे देश में जो लोगों की वोटिंग एज थी वो इक्कीस से घटाकर अट्ठारह

तो भाई अगर देखा जाए तो सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है एट्टी सिक्स सही है लेकिन जो बेटा राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट में हुआ था ना कि आपका फोर्टी सेकेंड में तो ये गलत है सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दो का सी हो जाएगा वन एंड टू इज द राइट आंसर याद रखिएगा बहुत बढ़िया तो यहां पर आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है निक्की शर्मा बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन है ना अभी दिखाते हैं आपको टफ भी टेंशन ना लीजिए ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा टेंशन ना लीजिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर को देखिए बिल्स के बारे में पूछा गया है मनी बिल डील्स विद द टैक्सेस बोरोविंग्स कंसोलिडेटेड फंड एंड द कंटीजेंसी फंड एनी बिल डीलिंग विदेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स बट नॉट सर्टिफाइड एज मनी बिल बाय द स्पीकर इज अ फाइनेंशियल बिल Provisions रिगार्डिंग द constitutional अमेंडमेंट बिल आर mentioned अंडर आर्टिकल 368 of Indian Constitution. ऑफ इंडियन कॉन्स्ट्यूशन गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है सो भैया आपको मालूम है कि जो मनी बिल होता है मनी बिल जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में किया गया है और आप सबको मालूम है कि मनी बिल जो होते हैं वो बेसिकली टैक्सेस हो गए बोरोविंग हो गए रेवेन्यूज हो गए कंसोलिडेट फंड हो गया कंटीजेंसी फंड है उससे डील करता है लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी बिल मनी बिल तब बनता है जब उस बिल को मनी बिल घोषित करता है लोकसभा का स्पीकर अगर लोकसभा के स्पीकर ने उस बिल को सर्टिफाइड नहीं किया है तो वो बिल फाइनेंशियल बिल बन जाएगा आर्टिकल एक में बिल्कुल सही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोविजन है वो आर्टिकल बताए गए हैं कौन सा सही है राइट right आंसर डी हो जाएगा एंड सारे सारे के सारे सही हैं बहुत बढ़िया क्या बात है भाई बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं ठीक है ओके बहुत बढ़िया शाबाश भाई आप लोग को लगना पड़ेगा हमारे साथ अगर हम आपके साथ लगे हैं तो आपको भी हमारे साथ लगना होगा शेयर इट सेशन को शेयर करिए 100 प्लस पहुंचिए और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए बेटा ये लॉकडाउन जो है ना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कहते हैं कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी है तो आप इसका फायदा उठाइए और आप जो है एग्जाम में सिलेक्शन पाइए दो हजार में आपके पास अगले आठ महीनों में सात मौके हैं मैं नहीं कहूंगा कि सात के सात पेपर निकालो लेकिन दो तीन चार पेपर तो निकाल सकते हो ऑफिसर बनना है याद रखिएगा इस साल क्वेश्चन नंबर चार कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको मालूम है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे देश में दो तरह की होती है एक होती है अर्बन एरियाज में एक होती है रूरल एरियाज में रूरल एरियाज में जो होती है रूरल एरियाज में जो होती है बेटा उसे हम जो है पंचायती राज कहते हैं अर्बन एरियाज में जो होती है उसे म्युनिसपालिटी कहते हैं दीपक इंडियन मुझे आपका क्वेश्चन मिल चुका है प्लीज क्लास पर ध्यान दीजिए सो so, अर्बन और रूरल एरियाज में होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी नियरनेस टू पीपल, एफिशिएंसी पूछा गया है कि कौन सा जो है फीचर वो ट्रू डेमोक्रेटिक इन नेचर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो बच्चों अगर हम बात करते हैं पंचायत और म्युनसिपैलिटीज की सो याद रखेगा जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज उनको क्यों बनाया गया था उनको बनाया गया था ताकि पावर का सेंट्रलाइजेशन खत्म हो पावर्स एक के पास नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो सो पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का जो मेन एम होता है वो होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण जिसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है सो पहला स्टेटमेंट तो हो गया कंप्लीटली पर गलत मतलब एक नहीं हो सकता मतलब यह गया और यह गया बाकी ये सही है यह सही है यह सही है यह सही है राइट आंसर सॉरी बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक है सॉरी सॉरी टू थ्री फोर एंड फाइव मतलब सी और डी दोनों सही है ठीक है मैंने गलती से लिख दिया कोई परेशानी नहीं है ओके ओके okay, आगे बढ़ते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्टिविज्म देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पांच को देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन है थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द कोर्ट हैज एक्सपैंडेड द आइडिया ऑफ राइट जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए याद रखिएगा कि हमें लड़ना हो तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म को शुरुआत करने में याद रखिएगा पी का सबसे बड़ा योगदान है आपने कपिला हिंगोरानी के बारे में सुना होगा जिन्होंने बिहार में एक जेल में बंद कैदियों जो कि अंडर ट्रायल कैदी थे उनके लिए जो है बेटा जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत की थी कपिला हिंगोरानी जिसे मदर ऑफ पी कहते हैं

ओवरबर्डन हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस आने लग गए हैं क्वेश्चन नंबर पांच में देखा जाए और इट हैज ब्लड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन द अदर हैंड बिल्कुल सही है सो so, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है कंसिक्वेंसेज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है डी है वन टू थ्री एंड फाइव बहुत बढ़िया सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है वन टू थ्री फोर एंड फाइव बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर छह को देखिए ये देखो बेटा हिस्ट्री से आ गया द फॉलोइंग पेयर्स ऑथर्स और आर्टिस्ट हैं मुगल एम्परर्स हैं अबू फजल के समय में अकबर अब्दुल हमीद लाहौरी हुमायूं अब्दुल समद शाहजहां विच ऑफ आर करेक्टली मैच पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है जल्दी बताइएगा भैया दुनिया जानती है कि अबू फजल जो थे अकबर के समय में थे जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी बहुत ही फेमस है मतलब वन तो होगा ही होगा वन होने का मतलब है कि यह तो नहीं हो सकता मुझे यह मालूम है कि जो अब्दुल समद था यह शाहजहां के समय में नहीं यह आपके हुमायूं के समय में मिलता है याद रखिएगा। तो यह तो गलत है बेटा थर्ड नहीं हो सकता <coughs> थर्ड नहीं हो सकता यह भी गया अब देखो बेटा अब मुझे यह मालूम है कि अब्दुल हमीद लाहौरी ये हुमायूं के समय में नहीं ये आपके शाहजहां जहांगीर वगैरह के समय में मिलते थे राइट आंसर जो है वो आपका जो है ए हो जाएगा वन ओनली क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट सही है बाकी दोनों गलत हैं अब्दुल समद अब्दुल हमीद लाहौरी जहांगीर और शाहजहां के समय में अब्दुल समद साहब जो हैं ये आपके हुमायूं के समय में थे बिल्कुल सही है राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सात फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट के बारे में चंद्र पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, तिलक और जो कि आपको मालूम है कि उन्नीस सौ पांच में जब बंगाल का विभाजन हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल जब लॉर्ड करजन ने किया तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया अब क्वेश्चन नंबर छे को देखिए क्वेश्चन नंबर सात को पूछा गया है कौन सा सही है देखो बेटा द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाई द लीडर थ्रू आउट द एंटायर कोर्स द दैक्यूलर फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज द एबसेंस ऑफ द मुस्लिम पार्टिसिपेशन एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड वुमेन पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में सो so देखो बेटा स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय द एक्सट्रिमिस्ट लीडर थ्रू आउट इट्स एंटायर कोर्स गलत है बेटा याद रखिएगा शुरुआत में जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको मूव किया था आपके जो मॉडरेट लीडर थे जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह ने और बाद में जो है इसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने फॉलो किया था जैसे कि आपके बाल गंगाधर तिलक साहब लोग थे द पेक्यूलियर फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज दैट एबसेंस ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं बेटा मुस्लिम इसमें शामिल थे जैसे कि अब्दुल रजीद वगैरह लोग हुआ करते थे ये इसमें शामिल थे वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड वुमेन बिल्कुल सही है बेटा इसीलिए इसका नाम ही स्वदेशी मूवमेंट था राइट आंसर डी हो जाएगा थ्री ओनली इज द राइट आंसर याद रखिएगा ठीक है तो होम सेंटर्ड वुमेन्स जो थी बेटा याद रखिएगा उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट में राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सात का डी हो जाएगा बहुत बढ़िया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज आर करेक्ट 1909 में आपने सुना होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में याद रखिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में हम सब जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 का पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आठ में कि कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर आठ को देखिए इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल इट इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचल्स बेटा ध्यान से देखो बेटा प्रदीप कुमार ये मॉक टेस्ट नंबर ग्यारह है मैं यहाँ चालीस मॉक टेस्ट आपको कराने वाला हूँ ये मॉक टेस्ट नंबर ग्यारह है देखो बेटा अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखिएगा इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द अनटचेबल्स बिल्कुल गलत है बेटा अनटचेबल्स के लिए नहीं यहां पर मुसलमानों के लिए स्पेशल आरक्षण लाया गया था यह जानबूझकर अंग्रेज लाए थे सो क्वेश्चन नंबर आठ को अगर देखें तो तीसरा तो नहीं हो सकता तीसरा नहीं हो सकता मतलब ये भी गया ये भी गया ये भी गया देखो बेटा इसे कहते हैं टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन भैया देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओ अपने आप आंसर आ जाएगा क्योंकि बच्चों याद रखिएगा कि जो मुसलमानों का आरक्षण है पहली बार वो 1909 में ही आया था मांटे मिल्लो रिफॉर्मस के बाद में याद रखिएगा बहुत ही फेमस है राइट आंसर वन ओनली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नौ को देखिए द टर्म ये देखो पल्ली चंदम मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू दो बेटा आपने सुना होगा पल्ली चंदम यह पल्ली चंदम क्या है जो कि चोला इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है वॉट डू यू मीन बाय द टर्म पल्ली चंदम लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोपराइटर्स लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन तो पल्ली चंदम क्या था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी बताओ ये चोला इंस्क्रिप्शन में आपने सुना होगा पल्ली चंदम यह पल्ली चंदम क्या है याद रखिएगा जल्दी बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नौ को अगर ध्यान से देखें तो पल्ली चंदम जो है बेटा गलत है ये है लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन सो जैन संस्थानों को जो लैंड दिया जाता था उसे पल्ली चंदम कहते थे याद रखिएगा राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर नौ का डी हो जाएगा ठीक है पल्ली चंदम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब फटाफट शेयर करो यार आप लोग हंड्रेड पार तो कराओ इतनी मेहनत तुम लोग करवाते हो लेकिन हंड्रेड पार नहीं कराते हो इतने बढ़िया हाँ क्वेश्चन भारत में कोई करा नहीं सकता जितना अनकेडमी के लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल पे हो रहे हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स यहां पर हैं बच्चों आपके लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर दस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आइनोसफेयर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर आइनोसफेयर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दस को देखिए आइनोसफेयर देखो बेटा ये लिथोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर है स्ट्राइटोसफेयर है मिजोसफेयर है आइनोसफेयर है और एग्जॉसफेयर है आइनोसफेयर के अंदर आपको मालूम है कि क्या होता है आयंस होते हैं और आयंस क्या होते हैं याद रखिएगा कि आयंस जो होते हैं उनसे जब रेडियो वेव्स टकराती हैं तो हमारे अर्थ की ओर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जिसके वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है आयनोसफेयर को याद रखिएगा बच्चों थर्मोसफेयर के नाम से भी जाना जाता है जहां पर नाम आ गया थर्मा थर्मा मीन्स हॉटनेस जहाँ पर गर्मी होगी सो so, ज़ाहिर सी बात है इसका नाम आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि जितना आपकी हाइट बढ़ेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा बिल्कुल सही है सो so, टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाइट तो जितना आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा गर्मी भी अब बढ़ती जाएगी क्वेश्चन नंबर दस का राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दॉल्स इज आर करेक्ट सॉइल के बारे में क्वेश्चन है पीटी सॉइल्स क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए पूछा गया है कौन सा करेक्ट है पीटी सॉइल्स जो होती हैं रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स ओके एरिड सॉइल्स आर नोन एज द उसरा सॉइल्स बहुत बढ़िया है लेटराइट सॉइल्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग बेटा दुनिया जानती है कि लैटेराइट सॉयल जो होती हैं वो लीचिंग के वजह से होती हैं इंटेंस लीचिंग बारिश होने की वजह से सॉरी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पीटी सॉइल्स जो होती हैं उनमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है लेकिन बेटा उसारा सॉयल्स जो होती हैं ये बेसिकली जो है वो सॉइल्स होती हैं जिनके अंदर सॉल्ट कंटेंट होता है सो बेसिकली एरिड सॉइल नहीं जो कि हमारी सेलाइन सॉइल होती है जो हमारी सेलाइन सॉइल होती है वो एरिड होती हैं सो वन और थ्री यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह का राइट आंसर ए हो जाएगा बहुत बढ़िया याद रखिएगा जो एरिड सॉइल्स होती हैं उन्हें उसारा नहीं बल्कि सेलाइन सॉइल्स को उसारा के नाम से जाना जाता है वन एंड थ्री इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बारह को देखिए फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू द हीट वेव्स इन इंडिया हा क्या बात है भारत में हीट वेव आने के पीछे क्या कारण है क्वेश्चन नंबर बारह को देखिए बहुत अच्छा भारत में पूछा गया यह क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी डी एस और सी ए पी एफ को ध्यान में रखकर बनाए गए बहुत बढ़िया नॉर्थ नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन इन द समर्स बिल्कुल सही है बेटा आपको मालूम है कि यह हमारा अर्थ है यह इक्वेटर है So, भारत इक्वेटर के इस साइड स्थित है और आपको मालूम है कि 21 मार्च के बाद जो है हमारा सन ऊपर की तरफ बढ़ता है सो so, जाहिर सी बात है यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मतलब पहला तो होगा हो ही होगा ये गारंटी है पहला होगा इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ठीक है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल बिल्कुल सही है बेटा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है बे ऑफ बंगाल में इसके पीछे कारण यह होता है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है गर्मी होती है और गर्मी के वजह से जो होता है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जिसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट्स होती हैं और उसके बाद सडन इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री बिल्कुल सही है एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री में क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए और फ्रीक्वेंट एल नीनो एल नीनो ला नीना इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा राइट आंसर डी है सारे के सारे सही हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा 13 को देखिए कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक फैक्टर्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया अब पूछा गया है कि इनमें से कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन भारत के क्लाइमेट को डिपेंड करते हैं ठीक है सो so भारत का क्लाइमेट जल्दी देखिएगा हां जी भारत का क्लाइमेट जो है किस चीज से डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर तेरह को देखिए <coughs> देखो प्रेशर एंड सरफेस ये तो बिल्कुल सही बात है प्रेशर और सरफेस विंड से जो है बेटा क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड होती हैं जाहिर सी बात है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिल्कुल सही है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस जो कि हमारा बहुत ही फेमस होता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं अंडर एयर सर्कुलेशन बेटा अंडर एयर सर्कुलेशन नहीं बल्कि ये अपर एयर सर्कुलेशन होते हैं अंडर एयर सर्कुलेशन कुछ नहीं होता है अपर एयर सर्कुलेशन होता है राइट आंसर सी हो जाएगा वन एंड थ्री इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया एट्टी

सो इनकम और पॉवर्टी गरीबी से बेसिकली जो है लॉरेंस कर्व जो है जुड़ा होता है ठीक है अब देखिए इट रिप्रेजेंट द इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है सो इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को यह दिखाता है बिल्कुल सही है इट कैन नॉट राइज अब द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी बिल्कुल सही है बेटा जो लॉरेंस कर्व होता है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के ऊपर कभी नहीं उठ सकता बिल्कुल सही है राइट आंसर सी है बोथ वन एंड टू क्वेश्चन नंबर चौदह का राइट आंसर सी हो जाएगा बोथ वन एंड टू बहुत बढ़िया भाई साहब लाइक like और शेयर बटन हमेशा दबाते रहिए भाई साहब इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और लाइक like बटन इतने कम भाई बड़ी नाराजगी है लगता है बच्चों को देखिए भाई साहब ठीक है सिर्फ 49 लाइक दिए हैं मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए स्टिक कॉम्पिटिशन देखो बेटा मनोपली से कंफ्यूज मत होना मोनोपली अलग चीज है और मोनोपोलिस्टिक अलग है मोनोपली का मतलब क्या होता है monopoly का मतलब होता है एकाधिकार जब मार्केट में खरीदार बहुत सारे हो और बेचने वाला सिर्फ एक इंसान हो तो जब मार्केट में खरीदार ज्यादा हो और बेचने वाला एक इंसान हो तो उसे मनोपली कहते हैं ठीक है याद रखिएगा जब मार्केट में खरीदने वाला ज़्यादा हो बेचने वाला एक हो तो मोनोपली होती है यहाँ पर बेटा मोनोपली नहीं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कहा गया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं सो तो मार्केट में बहुत सारे बायर्स भी हैं और मार्केट में बहुत सारे सेलर्स भी हैं और ये जो हैं बेसिकली क्या करते हैं ये बेसिकली जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं हाँ जी बिल्कुल सही है तो राइट आंसर बी हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर वेर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स सो बहुत सारे सेलर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो बेटा उन्हें जो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कहा जाता है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सोलह कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 16 को आइए देखते हैं <coughs> पूछा गया है कौन सा करेक्ट है जीडीपी जीडीपी के बारे में क्वेश्चन है जीडीपी सुनिएगा जीडीपी पर कैपिटल इज यूज टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज वर्क फोर्स बिल्कुल सही है पर्सनल इनकम इंक्लूड पर्सनल टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स जी ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्लूड्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ये क्वेश्चन देखो बेटा तुम तभी कर पाओगे जब तुमने जो है जी डी पी के बारे में पढ़ा होगा वरना कर पाओगे काफी टफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोलह को देखिये जी डी पी पर कैपिटा इज यूज टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज वर्क फोर्स जाहिर सी बात है जब पर कैपिटा की बात आएगी सो जाहिर सी बात है कंट्री के वर्क फोर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे पर्सनल इनकम में पर्सनल टैक्स <coughs> और नॉन टैक्स पेमेंट्स आते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्लूड्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द फर्म बिल्कुल सही है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही है तो डी सही है वन टू एंड थ्री तीनों सही है बेटा यहाँ पर ठीक है पूजा जाखड़ जी यहां पर तीनों सही है वन टू एंड थ्री नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड इन अवर बॉडी लो भैया साइंस का क्वेश्चन आ गया आ जाओ बेटा बी एस सी एम एस सी वाले बच्चों अब भैया ये बी एस सी एम एस सी वाले इंजीनियरिंग वाले तबाही मचाएंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर सत्रह को देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह में साइंस का क्वेश्चन आ गया है पूछा गया है कौन सा करेक्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन दैविटी द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस इन द ऑफ फैक्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट्स कंप्लीटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बढ़िया पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सत्रह में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है देखो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है पहली चीज तो मुझे यही मालूम है कि जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं बेटा ये मुझे मालूम है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो पहला स्टेटमेंट तो तीसरा तो गलत है ठीक है बिल्कुल दे सकते हैं द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट ये भी गलत है बेटा याद रखिएगा बाइल जूस में कोई भी जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं याद रखिएगा डाइजेशन ऑफ स्टार जो होता है ओरल कैविटी में शुरू होता है वन ओनली इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर सत्रह का राइट आंसर वन ओनली हो जाएगा अट्ठारह को देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायो इंडिकेटर क्वेश्चन नंबर अट्ठारह को देखिए बायो इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है देखो द दीज आर स्पीशीज स्टेटस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम अच्छी बात है स्टोन फ्लाइज इंडिकेट्स दैट द सॉइल इज एसिडिक मॉस स्पेसिफिक स्पीशीज इंडिकेट्स दैट अ हाई ऑक्सीजन वाटर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी देखिए देखते हैं कौन सा ही बताता है ठीक है जल्दी देखते हैं बायो so, इंडिकेटर में याद रखिएगा बायो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वो स्पीशीज होती हैं जिनका स्टेटस प्रोवाइड करता है ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम बिल्कुल सही है स्टोन फ्लाइज जो है वो इंडिकेट कहती हैं कि सॉयल जो है एसिडिक है मॉस स्पीशीज इंडिकेट करती हैं कि हाई ऑक्सीजन वाटर है उल्टा है बेटा स्टोन फ्लाइज बताती हैं कि जो है आपका हाई ऑक्सीजन वॉटर है जबकि मॉस जो है इंडिकेट करता है दैट ऑयल इज दॉय इज एसिडिक सो याद रखिएगा ये दूसरा और तीसरा दोनों गलत है क्वेश्चन नंबर अट्ठारह का राइट आंसर बी हो जाएगा वन ओनली इज द करेक्ट याद रखिएगा। ओके okay. गलत है बच्चा लोग हां जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्सट ऑफ द क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल अब बताओ देखते हैं कौन सही बताता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर उन्नीस को देखो क्वेश्चन नंबर उन्नीस को देखो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ध्यान से देखो करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है अ बैलिस्टिक मिसाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल दैट सस्टेन्स फ्लाइट थ्रू एरोनामिक लिफ्ट फॉर मोस्ट ऑफ द फ्लाइट पाथ अ क्रूज मिसाइल डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी रीच इट्स टारगेट ओके धनुष एंड अग्नि टू आर द टाइप ऑफ द क्रूज मिसाइल ऑपरेशन इन द इंडियन फोर्स पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है देखो बैलिस्टिक मिसाइल इज अ से पहला स्टेटमेंट ही गलत है बैलिस्टिक मिसाइल जो है सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं होती है बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड होती है क्रूज मिसाइल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी बिल्कुल नहीं बेटा ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं सो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं ग्रेविटी पे धनुष और अग्नि टू ये बेटा क्रूज नहीं ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं बच्चों जो कि आपके जो है न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं राइट आंसर डी हो जाएगा वन टू एंड थ्री तीनों स्टेटमेंट गलत है देखो बेटा आपने सुना होगा दो तरह के हैं, पूछा गया है कौन सा सही है स्टेटमेंट देखो बहुत बढ़िया है यू कैरियोटिक एंड प्रो कैरियोटिक सेल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर बीस को देख लो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर <coughs> सही है Uh, prokaryotic cells have hmm, all the intracellular organelles and structures which are characteristics of eukaryotic cells. Pro prokaryotic cells do not have a well defined nucleus, while eukaryotic cells have processes and organized nucleus. बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रो कैरियोटिक देखो पहला तो मुझे एक चीज मालूम है कि बैक्टीरिया और फंगाई जो है ये प्रो कैरियोटिक नहीं बल्कि यू है मतलब तीसरा तो नहीं हो सकता तीसरा नहीं हो सकता पूछा गया है कौन सा सही है तो तीसरा तो नहीं हो सकता ये तो गारंटी है प्रो कैरियोटिक सेल्स में इंट्रा सेल्युलर ऑर्गेनिक नहीं होते हैं बिल्कुल पहला भी गलत है पहला भी नहीं हो सकता राइट आंसर भी हो जाएगा बहुत बढ़िया शाबाश पूजा बहुत अच्छा जवाब है राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस को देखिए कमिंग इनिशिएटिव कनमिंग इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द आपने सुना होगा आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया देखो बच्चों <coughs> हां जी कन्मिंग इनिशिएटिव किससे जुड़ा हुआ है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर बीसीआईएम कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्राइवेट टू एशिया पॉलिसी बाय यूएसए अफ्रीका एशिया ग्रोथ कॉरिडोर तो आपने कनमिंग इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा बहुत ही फेमस है कनमिंग इनिशिएटिव जो है बेटा बेटा एक रोड बिल्डिंग है जो कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार राइट आंसर बीसीआईएम ये ए इज द राइट आंसर सो कन्मिंग जो है ये बांग्लादेश इंडिया चाइना और म्यांमार तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर च ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज आर कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने सुना होगा आरबीआई ने अभी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में फिर बात की है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है बच्चों पी एस एल मतलब याद रखिएगा कि हर एक जो हमारी आ, आ, जो हमारे बैंक होते हैं उन्हें अपने टोटल लोन अमाउंट का चालीस परसेंट पैसा प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है वो भी कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर याद रखिएगा सो तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्रायोरिटी सेक्टर में आता है तो एग्रीकल्चर हंड्रेड परसेंट प्रायरिटी सेक्टर में आएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई बिल्कुल आएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपके अस्पताल और स्कूल आ, एक्सपोर्ट क्रेडिट बिल्कुल सही है राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर चारों के चारों जो हैं ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं याद रखिएगा सब ठीक है क्वेश्चन नंबर तेईस विध रिस्पेक्ट टू द सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर तेईस को देखिए इट इज बींग सेटअप बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन महाराष्ट्र ओके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ कॉर्डिनेट विद पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वर्क ऑफ द सेंटर अमंग द मल्टीपल मिनिस्ट्रीज विद ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो फोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो बेटा इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने महाराष्ट्र में शुरू किया है बिल्कुल सही है मिनिस्ट्री ऑफ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा बेटा इसे कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी जो है वो नीति आयोग को दी गई है क्वेश्चन नंबर तेईस का राइट आंसर ए हो जाएगा वन ओनली इज द करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर चौबीस को देखिए विद रिस्पेक्ट टू द नील कुरुंजनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सुनिएगा बेटा नील कुरुंजनी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर चौबीस पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ध्यान से देखिएगा नील कुरुंजनी के बारे में सुन लो बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट इज अ श्रब फाउंड ओनली इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट द रेड फ्लावर ऑफ नील कुरुंजनी ब्लॉसम्स ओनली वंस इन फाइव इयर्स द पलियान ट्राइब ट जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर चौबीस का <coughs> हाँ जी क्वेश्चन नंबर चौबीस में पूछा गया है कौन सा यहां पर सही है सो so बेटा देख लो यहां पर अगर बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है नील कुरुंजनी के बारे में तो ये जो है नील कुरिंजनी के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक श्रब है ज अ श्रब फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बेटा वेस्टर्न घाट नहीं बल्कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों में पाई जाती है ये गलत है दो रेड फ्लावर ऑफ नील कुरिंजनी होता है ये हर 12 साल में एक बार होता है ना कि पांच साल में और द पलियान ट्राइब यूज एट ए रिफरेंस टू कैलकुलेट दियर एज बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर चौबीस का राइट आंसर ए हो जाएगा थ्री ओनली याद रखिएगा ओके <coughs> नीलगिरी हिल्स बिल्कुल सही है ंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग दो हजार उन्नीस सो क्वेश्चन नंबर पच्चीस को देख लीजिए so कौन सा इट इज दिन ऑफ द एन आई आर एफ रैंकिंग बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इज रैंकड एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ओवरऑल जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया है क्वेश्चन तो एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए होती है आपने सुना होगा और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग है तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी निकालेगी इसे बिल्कुल सही है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे आईआईटी मद्रास कहते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट ओवरऑल बताया गया है बिल्कुल सही है याद रखिएगा हाँ जी बिल्कुल सही है राइट आंसर <coughs> सी हो जाएगा बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर तो ये हो गया बेटा आज के पच्चीस क्वेश्चन कितने सही किए हैं जल्दी बताइएगा मुझे ठीक है सो तो ये हो गया बेटा हमारी क्लास ओवर तो बारह बजे की क्लास हमारी ओवर हो गई तो बारह बजे बेटा मैं सी और सी पढ़ा रहा हूं ठीक है अब मेरी क्लास एक बजे होने जा रही है एक बजे मेरी क्लास याद रखिएगा एफ कैट में है एफ कैट और आईनेट की क्लास अब एक बजे है जो लोग एफ कैट आईनेट की तैयारी कर रहे हैं एक बजे आ जाइएगा ठीक है और शाम को छ बज के पंद्रह मिनट पर फिर से मिलेंगे हम लोग शाम को छह बज के पंद्रह मिनट पर फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ ठीक है तो अब अगर एक बजे अगर आप में से कोई भी एफकैट और आईनेट की तैयारी कर रहा है तो एक बजे मेरी क्लास है अभी दस मिनट बाद आप लोग वापस आ सकते हैं उसमें और याद रखिएगा मेरे कोर्सेज आप देख सकते हैं सी और सी के लिए जनरल स्टडीज इंग्लिश साइंस मैथ रीजनिंग सारे सारे कोर्स अगले पांच सात दिन में शुरू हो रहे हैं सो so, अगर आप सी और सी की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप एफ कैट आईनेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एस्पायर बैच में आ सकते हैं 60 डेज मास्टर कोर्स 15 जून से 18 अगस्त तक शुरू होने वाला है तो ये 63 डेज का कोर्स है आप 60 डेज कोर्स कह सकते हैं एस्पायर एफ कैट टू आईनेट टू याद रखिएगा बहुत शानदार कोर्स है जिसमें जीके मैम मैथ रणधीर सर रीजनिंग मोहित सर इंग्लिश अमित सर जनरल साइंस विक्रांत एस पुंडीर सर याद रखेगा ठीक है, सो हेल्पलाइन नंबर ले लीजिएगा एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन टेलीग्राम चैनल है जीएस बाई का और मेरा रेफरल कोड याद रखेगा क्यू ए लाइव याद रखेगा थैंक यू सो लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम क्यू ए लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब कमेंट्स देखकर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ येल्स बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू